क्या करें, 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख और 28 तारीख को जन्मे लोग, जिससे कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। मतलब बेसिकली कामयाबी का राज बताने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। अगर आपका भी मूलांक 1 है तो बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनुरंजनी गुप्ता, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 सीक्रेट्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका ड्राइवर नंबर 1 है, मतलब मूलांक 1 है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुन लीजिए, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सूर्य है। अब सन क्या है? सन राजा है। राजा को अपना राज चलाने के लिए एक सबसे अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। इसका मतलब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए किन लोगों को अपने आसपास रखने की जरूरत है जो 3 नंबर से गवर्न होते हो। एंड आप देखिए, अगर आप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखेंगे जो 3 नंबर से गवर्न होते होंगे तो अनडाउटेडली आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ फ्रेज करेंगे। दूसरा, एक राजा को सबसे ज्यादा जरूरत और किसकी होती है? सेनापति की। बिना सेनापति के कोई राजा जीत नहीं सकता। तो आप 1 नंबर हैं तो आपको ऐसे लोगों का भी साथ चाहिए जो 9 नंबर से ड्राइव होते हैं। तो यहां पर आप ऐसे लोगों का साथ दीजिए और ऐसे लोगों का से साथ लीजिए जो 9 नंबर से ड्राइव होते हैं। लेकिन 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 ध्यान ये रखिए कि सेनापति ही कई बार राजा का तख्ता पलट कर देते हैं। तो 9 नंबर वाले लोगों के ऊपर उतना भरोसा नहीं करना जितना भरोसा आप 3 नंबर से शासित लोगों के ऊपर कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपकी 3 नंबर वालों से भी बन जाएगी, आपकी 9 नंबर वालों से भी बन जाएगी, लेकिन 3 नंबर वालों के ऊपर आप जितना आंख बंद करके रिलाय कर सकते हो ना, 9 नंबर वालों के ऊपर उतना नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन उतना नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं ना, जो 1 नंबर ड्राइवर नंबर 1 जो शक्तियां आपको दे रहा है, आप उनको फुल यूटिलाइज करके कामयाबी की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ते चले जाए। सबसे पहले 1 नंबर होने की वजह से आपको अपने पिता से बना के रखनी है। दिस इज द की पॉइंट। अब आपके पिता हो सकते हैं किसी ऐसे नंबर से शासित होते हो जहां पर आपकी अनबन हो जाती हो, लेकिन यही तो आपकी परीक्षा है। कामयाबी ऐसी तो नहीं मिल जाती ना, यही तो आपकी परीक्षा है। आपको देना पड़ेगा ये परीक्षा। आप अपने फादर से, चाहे वो कुछ भी बोले, आप ये मान लीजिए कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो कुछ भी बोले, आपको रिवर्ट बैक नहीं करना है, आपको डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स नहीं बोलने हैं। क्योंकि अगर आप 1 नंबर से शासित होते हैं और आप अपने अपने पिता को डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोले, वहीं से ग्राफ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आप 1 नंबर से शासित होते हैं और अगर आपने गलत शब्द यूज किए हैं तो बताना आप मुझे, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप 1 नंबर से शासित होते हैं तो देखिएगा कहीं आपका नेम नंबर 8 पे तो नहीं आ रहा, कहीं आपका नेम नंबर 4 नंबर पे तो नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपका नेम नंबर 4 पे आ रहा होगा या फिर 8 पे आ रहा होगा तो डिस्ट्रक्शन का साइन है ये। आप जितना मर्जी मेहनत कर लें लेकिन उसके बावजूद भी वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आपका नेम नंबर 4 पे या 8 पे सेट हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अपना नेम नंबर या तो 5 पे या 6 पे सेट कीजिए। 5 और 6 दोनों ही बहुत अच्छे नंबर है आपके लिए, अगर आपके नेम नंबर की बात की जाए तो। और अपने हाथ में रेड जेस्पर पहनिए अपने अंदर की एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए। अपने घर के ईस्ट में सन मास्क लगाइए, सन फेस, सौम्य सन मास्क लगाइए। अपने घर के ईस्ट में आपकी गुडविल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, दिनों दिन गुडविल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और अपने माथे पर एक नॉर्मल केसर जो नहीं होता है, नॉर्मल केसर, केसर तिलक नहीं बोलूंगी कि जाओ मार्केट से जाके केसर तिलक ले आओ, नहीं, जो नॉर्मल केसर स्टैंड्स होते हैं ना, उनको एक कटोरी में डालो और कटोरी में डाल के उस कटोरी को में 1-2 ड्रॉप पानी डालो और ऐसे ऐसे रगड़ो और अपने माथे पर लगा लो। आपको क्या होगा ना, वो केसर अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस केसर का जो स्ट्रैंड है उसको फेंकना नहीं है, ये केसर का एक स्ट्रैंड 30 दिनों तक आप इससे तिलक कर सकते हैं अपने माथे पर। आप ये करके देखिए एंड यू विल रियलाइज कि आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो विदिन 45 डेज खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो जो मैंने यहाँ पर अभी बात बोली है ना, ये सारी की सारी बातें आप बस 45 डेज करके देख लो। आई एम गिविंग यू गारंटी ऑन द रिटन स्टैम्प पेपर।
आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी एंड यू विल ग्रेजुअली स्टार्ट राइजिंग इन योर लाइफ। जो एक नंबर के अंदर इतनी पावर है ना आपको देने की, नेम, फेम, पैसा, और इनफैक्ट बेसिकली आप राज करने आए हो। तो ये राज कैसे करना है ना आपको, ये मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। तो अगर आप सचमुच में इस दुनिया में राज करना चाहते हो और वो राजा की तरह लाविशली रहना चाहते हो, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये एक एक चीज़, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।